शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AA जी। कैसे आप सब फ्रेंड खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल हर बंदा जो है एल्बाइनो फिशरी कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सके। मुझे बहुत से लोगों के प्राइवेट मैसेज आए कि अरसलान भाई हमें एल्बाइनो फिशरी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा आज ये टॉपिक स्टार्ट करूं। और आज मैं आप लोगों को बहुत सस्ती पेयरिंग बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग एल्बाइनो फिशरी बना सकते हैं। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि जिन लोगों को बहुत सस्ती एल्बाइनो फिशरी चाहिए तो वो इससे अपनी एल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस कर सकें। एक्चुअली जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली न्यू फैंसियर्स के लिए है, ताकि वो इस वीडियो के तहत एल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस कर सकें। और ये बहुत चीप पेयरिंग है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सब मार्केट के अंदर एल्बाइनो के रेट बहुत ज़्यादा हैं, और आपको ये भी नहीं पता होता कि जो एल्बाइनो आप लेकर आ रहे हैं वो एल्बाइनो है या एल्बाइनो पर्साटा है या एल्बाइनो फिशरी है। तो जो मैं आप लोगों को आज पेयरिंग बताऊँगा वो बहुत चीप पेयरिंग है, और उससे बहुत जल्दी आप एल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो पेयर लेने पड़ेंगे, एक पेयर लेना पड़ेगा आपको एल्बाइनो का और दूसरा पेयर आपको लेना पड़ेगा ग्रीन फिशर। ये पेयरिंग एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो हॉबी के अंदर वर्किंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन पेयरिंग है। इस पेयरिंग के अंदर आपको, जैसा मैंने बताया, कि दो पेयर लेने पड़ेंगे, एक एल्बाइनो का और दूसरा पेयर लेना पड़ेगा आपको फिशरी का, जिसको नॉर्मली ग्रीन फिशर कहा जाता है। इसके अंदर कोई लाजमी नहीं है कि आप एल्बाइनो फीमेल को ग्रीन फिशर मेल के साथ लगाएं या ग्रीन फिशर मेल को एल्बाइनो फीमेल के साथ लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ लगा सकते हैं। एक पेयर आपको रखना पड़ेगा एल्बाइनो ग्रीन फिशर का, दूसरा पेयर भी आपको रखना पड़ेगा एल्बाइनो ग्रीन फिशर का। आपको इनकी ब्रीड करवानी होगी, और ब्रीड करवाने के बाद जो आपके चिक्स आएंगे वो ग्रीन चिक्स आएंगे, जो आपके फिशर की तरह होंगे मगर वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू होंगे। और यही सेम पेयरिंग आपके पास जो है दूसरे पेयर से आएगी, जिसके अंदर आपके पास चिक्स आएंगे वो भी ग्रीन फिशर होंगे विजुअली देखने में, मगर वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू होंगे। हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक पेयर हमारे पास पेयर नंबर वन हो गया एल्बाइनो इनटू ग्रीन फिशर, और एक हमारे पास पेयर नंबर टू हो गया एल्बाइनो इनटू ग्रीन फिशर। जब ये ब्रीड करेंगे तो उसमें से आपके पास ग्रीन फिशर ही आएंगे। पेयर नंबर वन से आपने ग्रीन फिशर का चाहे भले मेल ले लें चाहे भले फीमेल ले लें, और पेयर नंबर टू से आप ग्रीन फिशर का मेल ले लें या फीमेल में ले लें, आपको इन दोनों का आपस में पेयर लगाना है, क्योंकि ये बन जाएंगे ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू। उनके ब्लड के अंदर भी आपको एल्बाइनो का ब्लड शामिल हो जाएगा, और जब आप इन दोनों का पेयर लगाएंगे तो ये दोनों जो एल्बाइनो स्प्लिट होंगे आपको एल्बाइनो भी देंगे रेड आइज में, प्लस आपको ग्रीन फिशर भी देंगे। ये एल्बाइनो जो होंगे ये इनकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होगी, क्योंकि आपने एक बार जो है रेड आई यूज़ किया और एक बार आपने ब्लैक आई यूज़ किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रेड आई टू रेड आई ब्लड लाइन बहुत कमज़ोर होती है, तो इस पेयरिंग से जो आपके एल्बाइनो होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के एल्बाइनो होंगे, वो प्रॉपर एल्बाइनो फिशरी होंगे। प्लस इसके अंदर फ़ायदा ये होगा, फिशर के साथ जब उनका ब्लड मिक्स होगा तो वो उनके साइज भी बड़े होंगे। तो ये मेरी नज़र में बहुत सस्ती और चीप पेयरिंग है एल्बाइनो फिशरी पैदा करने की, जो एल्बाइनो फिशरी आप आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी म्यूटेशन के साथ पेयरिंग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मज़ीद चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे AA व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज करिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के साथ, तो मैं आप सब लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दूंगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।